मॉर्निंग बच्चों, देखिए आज हम पढ़ेंगे पार्ट टू। क्या पढ़ेंगे? पार्ट टू। बुक अपना निकाल लेंगे आप लोग। अब हमने पार्ट वन कंप्लीट कर चुके हैं, स्वर और व्यंजन। उन्हीं स्वर और व्यंजन से अब हम बिना मात्रा वाले, कोई मात्रा नहीं उसमें, शब्द बनाना सीखेंगे और पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको बुक पढ़ना बताऊंगी। बिना मात्रा वाले शब्द हैं दो अक्षर, तीन अक्षर और चार अक्षर। ये देखिए बुक, आपके पास बुक है, निकाल लीजिए। पार्ट टू, पार्ट टू, बिना मात्रा के शब्द। हेडिंग लिखा हुआ है बिना मात्रा के शब्द, इस तरह से। तो आइए अब हम आपको बुक पढ़ना सिखाएं। बुक रीड करेंगे, आज हम बुक रीड करेंगे। सबसे पहले दो अक्षर वाले शब्द, सबसे पहले दो अक्षर वाले शब्द को हम देखते हैं। ये बीच में है दो अक्षर वाले शब्द। तो देखिए सबसे पहले क्या है, बॉक्स में, ये बॉक्स बना हुआ है। तो बॉक्स में ये है च ल, इसे हम मिला के बोलेंगे चल। क्या बोलेंगे? चल। अब ये है च ख, क्या है? च ख, तो क्या हो गया? चखे। अब है म ठ, मठे। ज ल, जल। दिख रहा है आपको? आप अपना बुक भी देख सकते हैं। व और ह, क्या हो गया? वह। ये है झ ट, क्या मिला के पढ़ेंगे इसके हम? झट। ये है प ट, तो क्या बना? पट्टे। छ ट, क्या हुआ? छत। ये है ड र, क्या है? डर। अब है च ट, क्या हो गया? चट। ये है ट ब, तो क्या बना? टब। ये है न ल, तो क्या बना? नल। अब है फ ल, फल। इस तरह से हम मिला के पढ़ेंगे। क ब कब, य स यस, ह ल हल, र थ रथ, फ न फन, अ ब अब, व न वन। इस तरह से ये हो गया आपका दो अक्षर वाले शब्द। अब है तीन अक्षर वाले शब्द, ये है तीन अक्षर वाले शब्द। अब इसे हम पढ़ेंगे ल ह र, ल ह र, तो क्या बना? लहर। मिलाएंगे इसको हम, लहर। अब है र म न, क्या बना? रमन। इसी तरह से अ ज य, तो क्या बना? अजय। ये है म ट र, तो क्या बना? मटर। ये है क ल म, तो क्या बना? कलम। स र द, तो क्या बना? शरद। स ह द, तो क्या बना? शहद। आप अपना बुक देख लीजिए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो। प क र पकड़, ब द न बदन, च म क चमक, क ल स कलस, न ह र नहर, प ल ट पलट, स र क सरक, क म ल कमल, व ट न बटन। तो ये हो गया तीन अक्षर वाले शब्द। अब आइए हम पढ़ते हैं चार अक्षर वाले शब्द। ये है झ ट प ट, क्या हुआ? झटपट। मिला के बोलेंगे इसे झटपट। ये है क स र त, तो क्या बना? कसरत। प
पन घट पन घट स ल ग म सलगम स र ब त सर्वत म ख म ल मखमल अ च क न अचकन प त झ र पतझर अ ज ग र अजगर। दिख रहा है आपको? फिर है अ द र क अदरक उ प व न उपवन। क्या है? उपवन। द म क ल दमकल स र प ट सरपट क ट ह ल कटहल ट म ट म टम टम म ल म ल मलमल। तो इस तरह से हम मिला के पढ़ेंगे। आप बुक घर पे बुक रीड करते रहेंगे ताकि आपको उच्चारण करने आए और अच्छे से मिला के आप पढ़ सकें बुक। तो इस तरह से पढ़ लेंगे आप बुक को, खुद से बार बार इसे पढ़ेंगे मिला के। और आइए हम कुछ शब्द बनाते हैं बोर्ड पे बिना मात्रा वाले शब्द। ये हम कुछ शब्द बना के रखे हैं, इसे हमें बिना मात्रा के शब्द बनाना है, कोई मात्रा इसमें नहीं लगाना है, ये ध्यान देना है। तो देखिए, ये बताना है आपको ये कौन सा वर्ण है, कौन सा वर्ण है ये? च, इसे हम बोलते हैं च। तो च से बिना मात्रा वाले शब्द बताइए कौन सा बनेगा? बिल्कुल सही बोला, च। और इसमें हम लगा देंगे ल, कोई मात्रा नहीं है, तो ये क्या बन गया? चल। क्या बना ये? च ल चल, है ना। अब है क, क्या है? क, तो ये क और ब, तो क्या बना? कब। क्या बना? कब। आप इस तरह से अपने मन से भी कोई और शब्द भी इसमें बना सकते हैं, बहुत सारे शब्द बनते हैं, एक अक्षर से एक वर्ण से बहुत सारे शब्द बनते हैं। अब ये है ब, क्या है? ब, तो ब से क्या बनाएंगे? ब न, क्या बना? बन। क्या बना? बन। अब है ये र, क्या है? र, तो र और थ, क्या बन जाएगा? रथ। अब ये है स, कौन सा स? दंत स, तो स से हम बनाएंगे, स से क्या बनाएंगे हम? स र र और क, क्या बना? सड़क। अब ये है ख, क्या है? ख, तो ख और न, फन। अब है अ, पहचानिए क्या है अ, क्या है अ? ये ह से हम फन लिखे। अब नीचे क्या है ये बताइए? अ है, क्या है? अ है, तो अ से हम क्या बनाएंगे? और ब, और ब, क्या बन गया? अब। क्या बन गया? अब। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द आप खुद से बनाइएगा घर पे। तो च से चल, क से कब, ब से बन, र से रथ, स से सड़क, ख से खन, और से अब। बस हमको ये ध्यान देना है कि कोई मात्रा नहीं लगना चाहिए, बिना मात्रा वाला शब्द हम लिख रहे हैं तो बस कोई मात्रा नहीं होना चाहिए, बिना मात्रा वाला
तीन अक्षर का इसमें हम बना सकते हैं, चार अक्षर का इसमें हम बना सकते हैं, बिना मात्रा वाला शब्द। ठीक है, एक बार और हम इस बुक को रीड कर लेते हैं, पढ़ना एक बार और हम आपको बता देते हैं, एक बार और हम इसको दोहराते हैं। ये है लहड़ लहड़, ये है रमन रमन, ये है अजय अजय, ये है मटर मटर, कलम कलम, शरद शरद, सहद सहद, पकड़ पकड़, बदन बदन, चमक चमक, कलश कलश, नहर नहर, पलट पलट, सरक सरक, कमल कमल, बटन बटन। तो हम बस ध्यान देना है कि हमें मिला के पढ़ना है, मिला के पढ़ना है। तो आपको पढ़ना बार बार, अगर इसे हम दोहरा दोहरा के बार बार इसे पढ़ेंगे घर पे, तो पढ़ना भी आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा। ये तीन अक्षर वाले हो गए, ये हैं दो अक्षर वाले, चल चल, चख चख, मठ मठ, जल जल, वह वह, झट झट, पट पट, छत छत, डर डर, चट चट, टब टब, नल नल, फल फल, कब कब, यस यस, हल हल, रथ रथ, फन फन, अब वन वन। अब ये हो गया चार अक्षर वाले शब्द, झ ट प ट, झट पट, क स र त, कसरत, प न घ ट, पन घट, स ल ग म, सलगम, स र ब त, सरबत, म ख म ल, मखमल, अ च क न, अचकन, प त झ र, पतझर, अ ज ग र, अजगर, अ द र क, अदरक, उ प व न, उपवन। इस तरह से मिला के पढ़ेंगे, द म क ल, दमकल, स र प ट, सरपट, क ट ह ल, कटहल, ट म ट म, टम टम, म ल म ल, मलमल। तो इस तरह से हमने पढ़ा, और आपको भी घर पे पढ़ना है इसको बार बार, अगर रिपीट करेंगे तो पढ़ना आ जाएगा, और इसे घर पे कॉपी पे लिखते भी रहना है। ये है बिना मात्रा वाले शब्द। थैंक यू।